बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अगर मगर के साथ मैं हूं नईम खान। ख़वातीन हज़रात, आज़ादी के वक्त जिस पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुनिया में ऑन अराइवल वीज़ा था, वो ममालिक 2016 तक कम होते होते 26 रह गए। आज़ादी के बाद रियासत बहावलपुर ने सबसे पहले जिस मुल्क को ज़कात दी, वो था सऊदी अरब। नाज़रीन, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि सऊदी अरब से आने वाले लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके का यानी मदीने का जिक्र करते हुए कहते थे कि हम मदीना से आए हैं, हमारी इमदाद की जाए। और हुआ क्या कि सबसे पहले इसी मुल्क सऊदीया ने ही हम पर यह कदगन लगा दी कि जैसे हम पहले ऑन अराइवल उनसे वीज़ा लेते थे, कदगन ये लगाई कि आप वीज़ा पहले लेंगे। ख़वातीन हज़रात, पाबंदी जो इन्होंने लगाई, इसमें कुछ कोताहियाँ हमारी भी हैं। हमारा पासपोर्ट दुनिया का वर्स्ट पासपोर्ट करार पाया गया। हमारे एक दोस्त ने, मैं आपको चलते एक किस्सा सुना दूं कि हमारी कोताहियाँ क्या हैं। हमारे एक दोस्त ने पिछले साल इंग्लैंड में अपनी बीवी के लिए एक अंगूठी खरीदी जो कि $150 की थी। खरीदते वक्त जब उसने अंगूठी खरीद ली तो सेल्समैन ने यह कहा कि अगर आप $20 और देंगे तो इसकी इंश्योरेंस हो जाएगी। मेरे दोस्त ने कहा कि इसका क्या फ़ायदा होगा। कहा कि अगर ये गुम जाएगी तो हम आपको नई दे देंगे। उसने कहा, जी मुझे इसके लिए क्या करना होगा। सेल्समैन ने कहा कि आप हमारी ये रसीद जो हमने आपको दी है ये लेकर आएंगे और ये हमें कहेंगे कि अंगूठी गुम गई है, हम आपको अंगूठी दे देंगे। अगर वो डिज़ाइन हुआ तो हम आपको अंगूठी दे देंगे, वरना हम आपको उतनी ही रकम लौटा देंगे। ये थे वो लोग, इंग्लैंड की बात मैं कर रहा हूँ, मासूम लोग जो ह्यूमैनिटी की कदर करते हैं, ट्रस्ट करते हैं लोगों के ऊपर। और फिर हमारे मुल्क के पाकिस्तानियों ने इसका क्या फ़ायदा उठाया कि उन्होंने इस तरह झूठी रसीदें पेश करना, रसीदें दे के और झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हमारी अंगूठी गुम गई है। ये इस प्रैक्टिस हद तक ज़्यादा हो गई कि फिर उन लोगों को पता चल गया और उन्होंने ये जो फैसिलिटी दे रखी थी इस पर बैन कर दिया। और हम लोग अपनी इन हरकत की वजह से ही दुनिया में रांदा दरगाह हो गए, यानी हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। व्यूअर्स, आज हमारे मेंबराने सूबाई असम्बली एक करारदाद मंजूर करवा रहे हैं कि उन्हें ब्लू पासपोर्ट इशू किया जाए। जिस तरह सेनेटर्स को, मेंबर नेशनल असेंबली को, मिनिस्टर्स को, फेडरल मिनिस्टर्स को ये हासिल है कि ये चीज़ हासिल है उन्हें कि वो ब्लू पासपोर्ट पे ट्रेवल कर सकते हैं, ये फैसिलिटी उनको हासिल है, लेकिन मेंबरान सूबाई असेंबली को नहीं। अब ये वही मेंबरान हैं जो हमें तो रांदा दरगाह किए हुए हैं दुनिया में और ख़ुद अच्छी शनाख्त की तलाश में हैं। क्यों? इसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वामिका अदनान, इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपने सुना तो है मैंने क्या कहा कि किस तरह हमारे पासपोर्ट की वैल्यू पाकिस्तान के दुनिया के अंदर किस हद तक गिर रही है। ये हमारी हुकूमती पॉलिसी की वजह से है या हमारे अपने जो कारनामे कौम के हैं उसकी वजह से है या सुस्ती और काहली हमारी गवर्नमेंट की है, इसी पर हम आपसे आज बात करेंगे। ये फरमाइए कि दुनिया का दूसरा वर्स्ट पासपोर्ट करार दिया गया पाकिस्तान को, इससे ज्यादा तजलील और हमारी क्या होगी? और एक नंबर दे आ जाइए। अच्छा सब्र तो करो, सी अजे इस तो भी आगे जाना है, देखो तो सही की हुंदा साडे नाल। अजे दूसरे ते ना तुसी चांदे दी तरक्की हो जाए, एक नंबर ते भी आ गए तो साडे वीजे होर बंद हो जाएंगे। नाल असि करे नंबर चीज ते लगे आ, देख लो मुल्क ते दो नंबर चीज असि हस के लै रहे, एक नंबर दी असि बहस कर रहे, उन्हूं पुछ रहे कि एक नंबर ही है ना, हालांकि दो नंबर लैन लगे असि पुछदे ही नहीं है दो नंबर। ये देखियो, हम तो ये कह रहे हैं कि वर्ष पासपोर्ट हो गया है और दूसरे नंबर पर हमारा वर्स्ट में हमारा नाम है, पहले पे एक और का उस मुल्क का नाम नहीं लेता, लेकिन क्या ये तजलील हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए ये काफ़ी नहीं होगी? देखें जी, कुछ बातें इसमें, जिस तरह से हर चीज़ को आप अगर महसूस करें तो थोड़ा सा एग्जेजरेट करके बयान किया जाता है। सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट इन सम वर्स्ट केसेस है, इन सम वर्स्ट सिचुएशंस है
ये नहीं है कि ऑल ओवर वेस्ट पासपोर्ट हो गया। वजह क्या है? वजह जैसे अभी आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब सबसे पहले खुद ही बयान कर दिया कि वजह हमारी कोताहियां हैं। मैं इस काम में एज एन एडवोकेट, एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट अरसा 12 साल से मुंसलिक हूँ, और हमारी फर्म जो है वो नाम भी उसका साद आसान लॉ कंपनी है। हम लॉ के साथ ही, लॉ एंड ऑर्डर्स के साथ ही चलते हैं। मसला सिर्फ इतना है कि हमारा यहाँ पर जो एक माइंड सेटअप बन गया है वो जहन में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम यहाँ से निकल जाएं। ठीक है जी, हम ये पीछे कभी नहीं देखते कि हम अपने लिए या अपने लोगों के लिए क्या फुटस्टेप्स छोड़ के जा रहे हैं। हम स्टूडेंट वीज़ा इशू करते हैं, करवाते हैं, ठीक है जी, वीज़ा इशू हो जाता है, स्टूडेंट के जेन में यहाँ पर जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सबसे पहले ये जेन में आता है कि मैंने उतरते ही असाइलम डिक्लेयर कर देना। नहीं नहीं, आप ही सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यही सोचना होता है, अगर तो पीएएल का जहाज हुआ रास्ते में रोक कर कहेंगे भाई टायर फट गए इसका, एक्सीडेंट का। जो हमारे पीएएल का हाल है, जो हमारे साथ होता है, तो ये सोच आती है। पीएएल के जहाज जेड़े उन्हां दी पहाड़ा ना बहुत दोस्ती। लेकिन इसमें अब ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जब एक स्टूडेंट यहाँ से अपनी तमाम कश्तियाँ जला देता है एयरपोर्ट पर उतरते ही, उसमें फिर आपकी वर्ल्ड रैंकिंग चेंज तो होगी? नहीं, सिर्फ हम स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने तो भी आपको एक मिसाल दी है। और भी दे दियो, सी इतने ऐसी करे किधर और जाना। अच्छा तो प्रॉब्लम थी, सारे सारे कला शेयर करके जाओ। हां, सारे पाकिस्तानियों की वजह तो ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਡ ਸੇ माइनस साइड से ये हम इसको आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर सकते हैं। ये डिक्रीज हुआ है, मैं आपको ये भी बता दूं, 2014 डिक्रीज का आलम तो ये है जी जी कि हमारा ब्रदर मुल्क कुवैत है, कितने अरसे से वो हमें वीजा नहीं दे रहा, हम पे हमें बैन किया हुआ है। देखिए क्या डिक्रीज हुआ, हम वो वीजा लेके आपने वहां जाके क्या करना है? उनको पता है ना आपकी नियत का, इसीलिए तो नहीं देते। हाँ। तो टेंशन कोई नहीं, तुसी उड़ के भी जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, किसी तरीके का प्रॉब्लम है। पासपोर्ट तो ढेर का तो स्टिकर लगा हुआ उसे। लेकिन उनको आपकी नियत का पता है ना, इसलिए नहीं आपको भी। अच्छा, मोर भी एहो जी उते लाउंदे ने घाम करके। देखिए हालात कुछ इस तरह से हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि जब कभी अमेरिका जाए तो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही 4S का स्टिकर लगा दिया जाता है बोर्डिंग पास के ऊपर। हाँ, और हमारी हुकूमत को वो जानती है, हुकूमती नुमाइंदों के साथ भी ऐसा हुआ, वहाँ पे मिनिस्टर्स के साथ हुआ। खामोश तमाशाई क्यों बन के बैठी हुई है हमारी गवर्नमेंट? देखिए जी, खामोश तमाशाई नहीं बने हुए, और सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कुछ पासपोर्ट्स पर या कुछ बोर्डिंग पासेस पर 4S का लग जाता है, और उसके बाद उसको वो सर्कमस्टांसेस तो बताइए ना, आप तो बताइए नहीं। मैं आपको बताती, मैं बताती हूं, ये कैसे लगा दे 4S के, हमें क्या करनी है बेटा, अगर के जाए 4S क्या है? हां जी, दो बंदे ने फिर 4S ला दो, जो चार बंदे हुई है एक एक एस दे दो, सानू समझ भी आ जाए। एस 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 स्लो 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 स्लो, बस स्लो स्लो प्रोसेस ही है ना। वो सिर्फ ये होता है कि आप ज्यादातर ये होता है कि ऐसे भी हमारे पास लोग आते हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी आप समझ लें रेंट पे ली होती है, वो किसी दोस्त का बिजनेस होता है, वो अपना बिजनेस बताया जाता है। अब कुछ ममालिक का इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो पहले जैसा नहीं है, बल्कि जब से कंप्यूटराइज सिस्टम होने शुरू हुए हैं, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बना है। अगर एक कंट्री में आप कुछ करके निकले होंगे तो फिर सारे कंट्रीज उस चीज़ को शेयर करेंगे। अब ये देखिए कि हमारे दोस्त ममालिक ने सबसे पहले हमें इनकार किया, जिसमें UAE है, कतर है, लीबिया है, सऊदिया है। इन लोगों ने हमें सबसे पहले इनकार किया कि हम आपको वीजा देंगे, ऑन अराइवल नहीं देंगे। अब यूरोपीय यूनियन ने तो बाद में किया, इंग्लैंड ने भी बाद में किया, 80 में हमें हमारे दोस्त मुल्कों ने किया, इसकी क्या वजह? दुबई वाले ने पता लग गया से ना, सी बुर्ज खलीफा तो चढ़ के गुड्डी बनाउनी है, और मेरी खाला दा मुंडा जे उन्ने ते पकौड़े ला लेने उथे जाके। ता कतर तो सानू क्यों नहीं वीजा दे रहा, जेड़ा कतर एयरपोर्ट ते ओ बालूईया नहीं बैठा, साडे पाकिस्तानी ने जाके दी हवा करती, ओ फूंग छले हो गया, इन्हां नूं वीजा नहीं देना। सारा जहाज नहीं रह लगदा, इन्हां दी जेब कटी गई। नहीं यार देखो, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आज हम इन बातों पे हंसेंगे, हंस तो सारी दुनिया रही हम पे। मैं आपको बताती हूं, और मैं भी अगर हंसना शुरू कर दूंगा तो आप बैठे हुए ना हंसाने के लिए, आप हंसाइए,
लेकिन ये रोने की बात कि इस हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के लोगों के साथ। देखिए, हमारे मुल्क में पनामा में नाम तो आया प्राइम मिनिस्टर का, विकीलीक्स में नाम आया गवर्नमेंट के लोगों का, उनको तो बाहर के मुल्कों में 21-21 11-11 तोपों की सलामी मिलती है और जलील होती है हमारी आवाम जिन्होंने इनको इस काबिल किया कि ये बाहर जाके 21 तोपों की सलामी लें, और जब हमारी बारी आए तो हमें पहले तो वीजे से इनकार कर दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि अगर आप आ गए हैं तो सिक्योरिटी होगी आपकी, पूरी सिक्योरिटी होगी आपकी, और फिर आपके पास फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि आया आप हमारे मुल्क के रहने के काबिल हैं कि नहीं। क्यों हमारी गवर्नमेंट्स खामोश क्यों है, यही मेरा आपके साथ सवाल है। हमारी गवर्नमेंट तक तो बात देखें, बहुत छोटी छोटी बातें, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट तक फटाफट पहुंच जाए। छोटी गले मकान बेच के बाहर जाइए, अगले मुंह नहीं जाओगे। मुझे एक इमिग्रेशन करने दें, मुझे एक चीज कंप्लीट करने दें। जी बाजी, बात सिर्फ इतनी है कि ऐसे लोग भी देख रहे हैं, सऊदीया ने ऑन अराइवल वीजा क्यों रिफ्यूज किया, सऊदीया ने ऑन अराइवल वीजा रिफ्यूज किया लेकिन सऊदीया ने आपको वर्क परमिट्स या आपको अकामा देना बंद नहीं किया। पिछले दिनों क्या हुआ, पिछले दिनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, ठीक है जी, तो वो यहाँ पर आपके ही लोगों ने की है, यहाँ पर हम बल्कि हम में से उठने वाले लोगों ने की है। यहाँ पर वो लोग जो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं, उनकी क्लियर रिपोर्ट्स देकर उनके वीजाज जो हैं वो स्टैम्प करवाए गए हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि फिर वहां पर दूसरे ममालिक का कहां पे कसूर है। हमें से ही उठ के वो लोग कहते हैं कि यार 10,000 ले लो। आपका कहने का मकसद ये हुआ कि हमारी गवर्नमेंट का और हमारी अवाम का अपना कसूर है, अपना कसूर, लोगों का कसूर नहीं है, क्योंकि अपने घर से तसीह की जाती है। मुझे ये बताइए कि जब ये अफगान वॉर हुई है उसमें अमेरिका ने पोक किया, अमेरिका आया, हमने जानबूझकर बल्कि चंगे बन के उस जंग को अपनी जंग समझ लिया, और आप अंदाजा करें कि $120 अरब का हमने नुकसान किया, 60,000 जाने हमारी गई, शहीद हुए लोग, 2,00,000 अपाहज हुए और 5 से 10,00,000 वो लोग जो उन अपाहज लोगों से मुंसलिक थे या जो शहीद हुए, जो कमा के लाते थे घर में, वो मुतासिर हुए। हमने इस पूरी वॉर में क्या पाया, मैं आपको बता, जब वहां हमें 4S लगता है और अब तो हम बड़ा सेफ एग्जिट देने के लिए अमेरिका के लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर ही 4S क्यों? सर सानू वो मुझे मिलना। वो नूर जहां जी का गाना याद आ गया, दसो मैं की प्यार विचो खटिया, कोल रह के जुदाइयां मार सुटिया, कदी हस के ना बोले दस मैं की प्यार विचो खटिया, कह रहे हो ना सर जी, ऐसी अमरीका की लड़ाई अपने गल पाई है, अपने नाल यही तो मैं कह रहा हूँ। तो जब हम अमेरिका को अब्बा जी बना लेंगे अपना, फिर ये क्यों कहा कि मेरा अबू वहां बैठा, आज तुम फंस गए, आज तुमने खुद माना है कि तुम्हारा अबू वहां बैठा, नहीं ये मेरा ख्याल डॉलर पाउंड नु अबू कहंदा है, आप ये कहें कि आपके अब्बू नहीं है, नहीं, मेरे अब्बू असली है, जो मैं बाजी की बात से बात कर रहा था कि इतनी दूर है वो उर्दू में बाकरखानियां बेचने वाले, सर मैं आपको आपको नहीं पता, और साथ बेकरी है ना, ये बाहर खानी देते हुए कहते भी है प्लीज, बहुत लज्जित है, बहुत खस्ता है, बहुत वीजा तो चले पहले ही है कि हमारे पासपोर्ट को देखते ही मोस्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर दे दें और हम उस मुल्क में पहुंच भी जाएं तो जो जिल्लत की पहली कैटेगरी लैंड होते ही स्टार्ट होती है, सारे ममालिक की क्यों एक तरफ और जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री को हमें एक तरफ लगा दिया जाता है कि वो लाइन आखिरी है, आप उसमें जाके लग जाएं फॉर द क्लियरेंस फॉर द इमिग्रेशन बाहर निकलने के लिए। वो इंसानों को लेदा करती है, जानवरों को एक लाइन में ले आती है, हम इंसान है वो जानवर है, उनको एक साइड पे, उनको प्रोटोकॉल सानू कुछ भी नहीं, सारे टिकट के पैसे भी लग जाते, वीजे के भी लग जाते, फिर कहते हैं नो एंट्री, कम बैक टू हॉपी।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਬਾਜੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਇਲੈਕਟ ਕੀਏ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਤੋ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਹਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੋ ਉਨਕਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਹਮਾਰਾ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ। ਦੇਖੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਮਸਲ ਪੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲ ਪੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ਼ਰੇ ਕਾ ਪੂਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਨਾ ਬਾਦ ਵਾਲਾ ਪੂਲ ਹੈ, और ये लाल पूरा है, ये मुगल वाले पूरा है, और ये गड़ी शव वाला पूरा। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेवकती तो हमारी उस वक्त ही शुरू हो जाती है जब हम पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, वहीं बेवकती शुरू हो जाती है। 3500 5000 रुपया देकर बेवकती, वो इतने इतने मोटे पाइप लगे होते हैं जिग जैग में कि आप लोग गर्मी है बहुत ज्यादा या सर्दी है, आप लोग यहाँ खड़े हों और आपको जलील करके हम पासपोर्ट देंगे। सर, गर्मी में लंबी क्यूज में लग जाना भी और बात है। आप लाइक सुबह 7 बजे भी अगर टोकन लेके चले जाते हैं, तो जो ये बीच में एक्स्ट्रा पैसे दे के या प्रोटोकॉल लोग आ रहे हैं वो जाते हैं, लाइन में लग के भी एक एक दिन में आपकी बारी नहीं आती। 3500 च यही कुछ लगना है और तुहानू की दे दी ये तकिया तो करोला है, 10 रुपया दो घर बैठे पासपोर्ट आएगा। नहीं तो सारी आवाम तो 10,000 नहीं ना दे सकती, उनका क्या कसूर है जो अपना काम से ऑफ लेके जाए और उस लंबी लंबी लाइन में लगे फिर भी एक दिन में। मैं कदों कालम निगा रहा उधर गल करो, एहो जी पढ़ी लिखी गल उधर करिया करो। और कई बंदे लाइन च लगदे ने, निकल के जांदे ते उथे हिट रख दिंदे ने, दुकान बंदा आके खलोवे एहो हिट चुके ओदे सिर च मार दिंदा। अच्छा, कोई बंदा निकलन लगे उथे साफा रख दिंदा, आम लोगों के लिए, यानी आप तो खास हो सकते हैं, मैं भी खास हो सकता हूँ। ये जो आम लोग कॉमेडियन बैठे हैं, ये जो आम लोग हैं, ये खास है, इन्होंने मार्बल का मुंह लुआया, पत्थर लुआया, वो भी खास है, इन्होंने सिर पे बैल लुआई, आम बना दियो खास ने। हाँ जी, महंगी गड्डी चला के इतने आए। अच्छा, बात ये साग नहीं खा सकते थे। देखिए देखिए, इसको बताना पड़ेगा, सुन लीजिए बात। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपने भी कभी पासपोर्ट बनवाना है, अल्लाह आपको भी बाहर लेकर जाए। ये शौकी तो जा चुका है, लेकिन पता नहीं बाहर उन्हें ले जाना ही होगा जो उठे बुरखे शुरू हो जाए। अच्छा, तीन किस्म के हैं। एक आम लोगों के लिए ग्रीन पासपोर्ट, जो सफीर है, बड़ी बात है कि आपने देख लिया। शुक्र है, नजर आ। डिप्लोमैट्स के लिए, डिप्लोमैट्स के लिए रेड कलर का होता है। अच्छा, रेड कलर क्या होता है भाजी? ਸਰ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਲਾਲ ਰੰਗ। ਅੱਛਾ, ਲਾਲ ਟਾਈ ਲਗਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾਲ ਬੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਨਕੀ ਅਕਸਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਅਕਸਾਮ ਇਹ ਨਸਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੋ, ਨੀਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ, और तीसरा, और तीसरा ये एम्बेसडर्स के लिए लाल हो गया, डिप्लोमेट्स के लिए लाल हो गया सुर्ख रेड, और मेंबराने नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स, इनके लिए फेडरल मिनिस्टर्स जो से हैं उनके लिए ब्लू पासपोर्ट। ब्लू क्या होता है भाई? वो नीला होता है। अच्छा, नीला काली जुत्ती तो नीला मुंह, वही गल है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप मैं आपकी तरफ आता हूँ कि हर जिले में पासपोर्ट ऑफिस होना चाहिए। हमारे तो मुल्क में आप देखिए, लाहौर कितना बड़ा, 1.25 करोड़ की आबादी है, सिर्फ दो, एक निस्बत रोड के ऊपर है और एक गार्डन टाउन में, दो पासपोर्ट। सियालकोट में पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, हर जब ये गवर्नमेंट जिला लेवल पे पासपोर्ट ऑफिस नहीं दे सक रही तो इज्जत क्या करवाएगी अपने पासपोर्ट की? देखें, ये चीज़ जो है इसका पासपोर्ट की इज्जत के साथ तो एटलीस्ट कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक ताल्लुक मैं बना देता हूँ जी। जी, जब आपको एक बाहर जाना है, सियालकोट के लोग, आपको पता है कितना रेवेन्यू सियालकोट के लोग देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। 1000 अरब रुपया गवर्नमेंट वहां से लेती है, फायदा लेती है उसका, उसका रेवेन्यू जनरेट, वो जो जनरेट कर रहे हैं वो उसका फायदा लेती, गवर्नमेंट के पास जाता है। सियालकोट में अमीर तरीन लोग रहते हैं, उनको तो अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए गुजरांवाला जाना पड़ता है।
ये जलालत नहीं तो और क्या है? इसलिए कि आप जितना वही आपकी चीज़ आ जाएगी कि जितनी चेकिंग रखेंगे, जितने कम डिपार्टमेंट्स इस चीज़ को देख रहे होंगे, जैसे नादरा का जगह जगह पर चप्पा चप्पा पर खुला था और उसके बाद प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद फिर उसको वापस ख़त्म करके जगह जगह से खत्म करके बहुत कम डेजिग्नेटेड इदारे कर दिए गए। आप उसका मुझे आज अप्रोप्रिएट जवाब नहीं मिल रहा, उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप, मेरा ख्याल है कि मेरी बात को यह समझ नहीं रही कि अगर जगह जगह देखिए हर चीज़ की आसानी, अब बंदे कहते हैं यार सारे बंदे सऊदी अरब भी क्यों जा रहे हैं उमरा करने वास्ते? जाना है उन्होंने उमरा करने के लिए, हज करने के लिए उन्होंने जाना है। अब किसी बंदे के पास, आप लोगों के पास पैसे हैं, आप लोग सैर करने के लिए मरी को चले जाते हैं, कहिए नहीं मरी तो निकी जी हैगी 20 करोड़ वहां मरी को चली जाएगी, कोई और देखिए जाना है लोगों ने, लेकिन पासपोर्ट के लिए सहूलत होनी चाहिए। जिस तरह ये भेड़ बकरियों की तरह खड़ा कर देते हैं ज़िगज़ैग बना के, अगर ज्यादा ऑफिस बन जाएंगे तो आराम से लोगों का काम हो जाएंगे। जितनी और मल्ले दे बंदे नु पता हुंदा है बंदे दा ठीक करैक्टर है कि नहीं ठीक, जेड़ा बंदा सियालकोट उठ के जान दे आएगा आया दा ते गुजराले गया दा ते उतरों वापस आया दा ते फिर गया दा ते इहदे विच ते उहदा 700-800 रुपया किराया दा लगा दा। अच्छा क्या आप ये बताइए हमारे सफारतखानों में करप्शन हो रही है टोटल? आप देख लो हो रही है बिल्कुल वहां, अपने अगर आपने अपना बनवाना है पासपोर्ट तो उसके लिए जलालत, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, आईडी कार्ड बनवाना एक्सपायर हो जाते हैं वहाँ पे, और वो वहाँ जलालत के इतनी करप्शन की जा रहे हैं, और ये सारी दास्तानें बिल्कुल आपको भी तो जिल में सारी दुनिया जानती है कि ये दास्तानें ज़ुबान ज़दे आलम है। ये जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं इन्होंने उन ममालिक में जाके भी कोई अच्छा सबक नहीं सीखा? देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, फिर वही बात आ जाएगी, शायद मैं डिफेंड नहीं कर रही, मैं एक रियलिटी बेस्ड बात आपको बता रही हूँ। हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने अपने वीज़ा अप्लाई किया करने होते हैं, उन्होंने अपना पासपोर्ट लेट्स सपोज कई दफ़ा ये होता है कि एक्सपायर निकल आता है तो उन्हें कहा जाता है कि ये पहले बनवाएं फिर आएँ, तो फर्स्ट उनका जो एक बात होती है वो ये होती है कि जी मेरे को टाइम नहीं है तो तुम बनवा दो मैं पेमेंट कर देंगा। ये तरीक़ाकार, ये तरीक़ाकार, ये सोच, ये हमें इतनी ज़्यादा प्रिवेल क्यों कर गई है? तो आपने बताना जी हमें क्यों कर गई? इसलिए कर गई है कि हमारे दिमागों में एक चीज जो बहुत आराम से क्या कहते हैं डाली जा रही है या डाली गई है, वो एक हमारे जहनों में जो आप कह लें कि प्रोटोकॉल, एक आम आदमी को भी प्रोटोकॉल लेने का बहुत शौक हो गया। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। आग को सीने में फंसा क्यों नहीं लेते, भीगे
हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए।